So surgery will take 1 hour. Okay. Okay. Huh. 1 more hour to come out of anesthesia. Huh. So you directly come after 2 hours. Alrighty. Chalo. Let's go, my piggy. You're okay. Fine now. Chalo. गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग सुबह सुबह नहा धो के निकल चुके हैं, बज रहे हैं सुबह के 10:30 क्योंकि आज है कोको की सर्जरी। कोको को पता नहीं कितने घंटे पहले से डॉक्टर ने बोला था पानी ना देने के लिए, तो उसने पानी नहीं पिया है, खाना नहीं खाया, क्योंकि उसकी सर्जरी का टाइम है। अभी लेके जा रहे हैं फटाफट। उसकी सर्जरी शुरू होगी तो कम से कम वहाँ लगेंगे 1 से 2 घंटे। उस बीच में हम फिर उधर ही अराउंड कहीं रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे आस पास, ताकि ये जब ठीक हो जाए तो इसको फिर फटाफट लेके आ सके। ये संभावना। गुड मॉर्निंग पीपल, सुबह सुबह निकल गए हैं और ये बच्चों को खाना वाना दे दिया है, बच्चों को लॉक करके हम लोग कैमरा में देखते रहेंगे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो ये भी एक टास्क था, लेकिन किसी को भी साथ में नहीं ले सकते थे ना, क्या ही करें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, फटाफट मिलते हैं आपको आगे। पर आपको बता दूं दोस्तों, बहुत जल्दी हमारे चैनल पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है। बार बार आपको दिला रहा हूँ, तैयार रहना। हम दोनों बहुत एक्साइटेड है उसके लिए। अब उसको आगे आना होगा। आगे तो आने चला, अकेला है आज, ले सकते हैं आगे। जब चार चार होते हैं तो मुश्किल होता है। उसको आगे आना ही नहीं है, उसको मेरी गोदी में आगे आना है। क्या करोगे, क्या करें इस लड़के का? आप कुछ ना करें, पहले गाड़ी स्टार्ट करें, एसी शुरू करें, पानी बाद में पिए। कूद जाएगा वहाँ से वो। माँ सब जाना तुम्हारा। अरे भाई सुनो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है आपका होल्ड और पॉजेस देखने के लिए, ठीक है? आप ये एसी ऑन कीजिए पहले। कर रहे हैं, कर रहे, सब करेंगे, सब हो जाएगा, फिकर न को बेटा। तो जी एसी चालू हो गया है। ओ यार क्या गर्मी है यार, क्या गर्मी हो चुकी है, हद ही हो गई। रात को अभी भी सोया नहीं जा रहा मुझसे एसी में भी ना, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। क्या बात है यार, समझ नहीं आ रहा, बहुत दर्द करते हैं। जी चलिए जी। ला 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 करते करते तुमने दीवार पे गाड़ी चढ़ा दी। दीवार पे चढ़ा दी गाड़ी। ला 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 ला। देख लो मम्मी की गोदी में छोई 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 करके जा रहा है अपनी सर्जरी कराने। खराटा खराटे मार रहा था। हैं? कुकड़ा कुका कोके हैं? आते वक्त गाड़ी तुम्हें चलानी पड़ेगी। मैं तो जाते वक्त भी चलाने को तैयार हूँ। आज सबसे अच्छी बात यह है कि रश नहीं है। और मैंने जुहू बीच पे ना आज दोस्तों देखा, मोटर बाइक, वाटर बाइक, बोट, स्पीड बोट, ये सब चल रही है। जो हम लोग बाहर जाके ढूंढते हैं वो हमारे यहीं पे आ गया सब कुछ। Isn't it amazing? हाँ, लेकिन वही है ना कि अपने घर के पास कोई चीज होती तो आदमी करता नहीं। घर की मुर्गी दाल बराबर, जैसे मैं हूँ तुम्हारे लिए। मैं कौन हूँ ये तुम्हें क्या पता। नहीं वो ऑपोजिट भी आता ना, घर का मुर्गा खाल बराबर, खाली है। कोको की सर्जरी हो रही है और कोको की सर्जरी वही डॉक्टर कर रहे हैं जिन्होंने छुन छुन की थी, छुन छुन आई थी ना जब इधर से दिखाना बेबी, वही पे कोको अब जा रहा है। और कोको की एज डॉक्टर इज करेक्ट ना? सो काफी लोगों का कंसर्न था कि कोको की अभी एज ज्यादा नहीं है, कोको 1 साल का हो चुका है। जो बाबा चलो ठीक है, कितनी देर में हम लोग? सो सर्जरी विल टेक 1 आवर। ओके, 1 more hour टू कम आउट ऑफ एनेस्थीसिया। सो यू डायरेक्टली कम आफ्टर 2 hours, वी विल कॉल यू ऑन दैट नंबर। ओके, डोंट कम एंड हैंग अराउंड हियर बिकॉज़ इफ ही सेंसेस यू देन ही विल वांट टू गो होम अर्ली एंड आई डोंट वांट टू सेंड हिम व्हेन ही इज लाइक दिस। ओके, लेट हिम रिकवर कंप्लीटली एंड देन यू टेक हिम। ओके, ऑलराइटी, लेट्स गो माय पिगी। यू ओके? फाइन नाउ। चलो तो जी दोस्तों, कोको गया ऑपरेशन थिएटर में, डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, सब कुछ किया, एकदम ठीक है, परफेक्ट है और एलिजिबल है सर्जरी के लिए। बहुत ही इजी सर्जरी है, वेरी लेस कॉम्प्लिकेटेड ऐसा डॉक्टर ने बोला, तो बिल्कुल सेफ है सब कुछ मामला। 1 घंटे उसकी ऑपरेशन में लगेंगे और 1 घंटा उसके बाद उसको रिकवर होने में लगेंगे। तो अभी 2 घंटे हैं हमारे पास, तो 2 घंटे में अभी हम लोग जाएंगे कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ एक फ्रेंड रहता है, आप लोग जानते हो, शामुन, उससे मिलेंगे और देखेंगे संभावना के लिए। वो चौड़े मुंह के जूते ढूंढने, कब मिलेंगे वो देखते हैं, यहाँ कहीं कोई शोरूम हो तो मिल जाए शायद। हम लोग
बड़े प्यारे से एक कैफे में आया है यहाँ पे बांद्रा में. यहाँ पे शमन बैठा है, अविनाश बैठा है. क्या नाम है इस कैफे का यार? बहुत ही प्यारा कैफे है. भोजी कैफे. भोजी, भोजी कैफे. और हम लोगों ने ऑमलेट्स वगैरह ऑर्डर किए हैं. अब जाके 1 बजे अब हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. तो अभी कॉफी वगैरह ऑर्डर करी है, ऑमलेट्स ऑर्डर करे हैं और बड़ा अच्छा सीन है यार. और इधर ना भोजी कैफे, मतलब है ना थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज भी हो गई थी क्योंकि 3-4 जगह है, मतलब इनकी लेन से है पूरा, है ना कैफेज. और अमेजिंग कैफे है. मैं पीछे दिखाऊँ ना मैं आपको, ये देखो. मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे क्योंकि मैं बहुत कम चीजें हैं जो मैं खा सकती हूँ. मतलब ब्रेड रेड खा नहीं सकती, कुछ नहीं खा सकती, लेकिन जो भी है अंडा वंडा ये तो खा ही सकती हूँ, खा रही हूँ. चाहिए मुझे थी सबसे पहले शामुन की कॉफी आ गई है. नो शुगर. वाह, अच्छा बनाया जी. ये मेरा मील आया है और इसमें से मैं ब्रेड निकाल दूंगी. आई एम नॉट ईटिंग ब्रेड. ये आया शामुन का ऑमलेट. हम लोग यहाँ से तो निकल गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं कैंपस. यहाँ पे कैंपस का शोरूम मिल गया है तो यहाँ पे भी चेक मार लूँ. कोको के वहाँ से कॉल आ गया है डॉक्टर के यहाँ से कि कोको की सर्जरी हो गई है, लेकिन अभी आना नहीं यहाँ पे. तो उन्होंने 2 बजे बुलाया है जिसके लिए अभी 1 घंटे का टाइम है हमारे पास. मील वाले इस कैफे के बारे में बता दो यार. आई लव दिस कैफे. मैं इधर दोबारा आना चाह रही हूँ और मैं आऊँगी आऊँगी. तो दोस्तों मैं फिर पहुंच गई हूँ कैंपस के शोरूम में. और ये इंडिविजुअल शोरूम में भी इस वाले में दूसरा जूता नहीं है. मैं क्या करूँ बेबी, कहीं कुछ नहीं मिलता. तुम जूते नहीं, मत ढूंढो, तुम पैर नहीं ढूंढो. ये ना इसका मेरे को लेफ्ट वाला देना और ये डाल देना. व्हाइट तो है ना तुम्हारे पास? ट्राई ग्रे ना, ग्रे वाला. एक बार मेरे को व्हाइट थोड़ा बहुत ब्रॉड लग रहा है. व्हाइट ग्रे से ज्यादा ब्रॉड है क्या? हाँ जी व्हाइट वाला. नैरो नहीं चाहिए बिल्कुल भी. मतलब मेरा देखो, मेरा पैर जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. और आज तक यही 1 साल से यही जूते चल रहे हैं. मेरी मदद करो. आप बता दीजिए आप पहले हल्का सा बांध दो और मैं दूसरा वाला भी ट्राई करा दूँ. तो आपको लगता है मुझे ग्रे नहीं ट्राई करना चाहिए? ग्रे मत ट्राई कीजिए. मेरा क्या हो रहा है ना, इस वाले है ना सिर्फ ब्रॉड ही नहीं है, इसमें जो गोल्ड मिलता है ना मेरे को इधर, इसमें भी योगा फ्लेक्स कुछ चल गया. इसमें भी योगा फ्लेक्स कुछ चल गया. इसमें नहीं है ना, उसमें योगा फ्लेक्स नहीं है. मुझे तो लगता है यही होना चाहिए. जी फटाफट में 1 जूते मैंने ले लिए हैं जो कि काफी कंफर्टेबल हैं मेरे को. मुझे लगता है ये वाले कंफर्टेबल हैं. ये अविनाश कह रहा है, शामुन कह रहा है कि स्केचर्स भी जाएं. मैं नहीं जा रही, मेरे लिए ये काफी है. मत जाओ, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे को बुरा लग रहा है. मेरे को नहीं जाना स्केचर. बुरा जिद मत करो. बुरा किसके लिए लग रहा है? गाड़ी मैं चला रही हूँ ना. नहीं जूते पहन तो लिए तुमने, अगर कुछ दिक्कत हुई वापस नहीं हो पाएंगे, अब गंदे कर दिए. आप तो अच्छे दिख रहे हो. तो ठीक लग रहा है. ओह माय बॉय, गुड बॉय. हम लोग निकल गए हैं कोको को लेके. ये कोको एकदम ठीक है. एक बार घर पहुंच जाते हैं तब बात करते हैं, क्योंकि अब इस समय व्लॉग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अविनाश ड्राइव करेगा और मुझे इसको थोड़ा सा ठीक तरह से लेके बैठना है. आ जाओ, मैं पकड़ू क्या? अभी भी वो थोड़ा सा ना उसमें डिजी है अभी भी. एसी चलाऊं? हाँ. अरे सबने क्या टेस्ट किया, अरे ये चाट रहे हैं अभी इसको. सब चाट रहे हैं उसको, प्यार कर रहे हैं. सबको समझ में आ गया. सब कोको को इतना प्यार कर रहे हैं यार. ये देखो सब उसको वो कर रही है. क्या हुआ है? क्या हुआ है सर? क्या हो गया? ये भी चल रहा है.
आजा कोको, आइसक्रीम का टाइम हो गया बाबा, आपका नहीं है बेटा। अरे बाबा, ये देखो आपके लिए आइसक्रीम आई है। नहीं बेटा आपके लिए। अच्छा, थोड़ा चखा ले कोको, थोड़ा चखा ले, देखो कितना टेस्टी है। ओके देखो, मम्मा तो बहुत टेस्टी टेस्टी लाई है आपके लिए। आप खाओगे ना जो आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा चखा लो। आपको थोड़ा सा अच्छा अच्छा टेस्ट आएगा इसका ना। अभी भी ना एकदम डिसओरिएंटेड है, लेकिन डॉक्टर ने बोला इस समय इसको आइसक्रीम देनी है। चोरी मत कर, छुप जा उसका आइसक्रीम मत चोरी कर। खाने लग गया। तो जी कोको ने पूरी आइसक्रीम खा ली, अच्छी तरह मूवी क्लीनी कर लिया। अब हम लोग सो जाएंगे थोड़ी देर, ठीक है? हम लोग आराम करेंगे। हमारी आइसक्रीम चुंचा ने भी छीन ली। और आप देख लो मैंने जी अभी घर का इतना काम फैलाया हुआ है, अभी मेरे को सारा सेट करना है। तो अभी ये सो जाएगा तो आज मैं वो काम करती रहूंगी, किचन का और थोड़ा क्लीन करती रहूंगी। ये मेरा पापा सो जाएगा और सब लोगों ने जमघट लगाया हुआ है इसके आगे पीछे। एक चीज है, ये सब लोग प्यार करते हैं आपस में, लड़ते मरते हैं लेकिन प्यार बहुत करते हैं। चलो सो जाओ, सो जाओ। अविनाश को किसी मूवी स्क्रीनिंग में जाना था तो वो तो चला गया। गुड थिंग इज कि कोको ने दो बार आइसक्रीम खाई है और अभी तक इसने सुसु नहीं किया है, लेकिन खाना भी खाया है अपना। तो अब मुझे इसका जो मेडिसिन है वो देनी है इवनिंग की, तो वो मैं दे दूंगी अभी ये मिक्स करके। लेकिन आराम से बैठा हुआ है और ये भी काफी देर तक मेरे पास सोया भी हुआ था ये देखो, और काफी घूमा है घर पे, ऐसा नहीं है कि घूमा नहीं है। फाइनली जी नेक कॉलर लगा दिया गया है, ठीक है? अब ये अनकंफर्टेबल तो देखो ये हो रहा है इसमें, लेकिन वी कांट डू मच बिकॉज इसके बिना ना ये अपनी वो पूरा स्टिचेस खोल देगा अगर खुरच उरच दिया, जो कि ये कोशिश कर भी रहा है। अब इसमें इसको गुस्सा तो बहुत आ रहा है कि ये मेरे को क्यों इन्होंने ऐसे लगा दिया, लेकिन क्या करें। और ये बहुत सॉफ्ट कोन है, ये स्ट्रांग नहीं है, तो इसके लिए ये आराम से सो सकता है। रात को अगर कुछ भी इसने हलचल करी तो मैं हुई, वैसे अविनाश भी लेट ही आएगा तो तब तक तो मैं जगी हुई हूँ, बाकी ध्यान रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह आपको बताती हूँ इसका क्या हाल है, तब तक के लिए गुड नाइट। इन्हें कोको बता दो सबको मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ी सी नाटक करता हूँ लेकिन ठीक हूँ। और वो देख लो दोनों।